राजधानी में आज सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की। प्रथम चरण में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही बड़ी वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई ये भी दावा किया। मोदी के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है और 70 साल में क्या किया ये जुमला उनको ही ले डूबेगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनता सब देख रही है, इनके जुमले इनके झूठ इन्हीं को ले डूबेंगे। और ये भी कहा कि पीएम हमेशा असत्य बोलते हैं, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं कि किसी मुख्यमंत्री पर वो आरोप लगा सके। और एक मजाकिया अंदाज में पीएम पर आरोप लगाया कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी जी से सत्य बुलवाना उतना ही असंभव है। और ये भी दावा किया कि मोदी जी अगले देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मोदी राज में संस्थाएं दबाव में चली और लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों ही भाजपा के कार्यकाल में खतरे में है। गहलोत ने यहां साफ तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया और जमकर प्रहार किए और कहा कि मोदी राज में देश की संस्थाएं उनके दबाव में काम कर रही है। कहा कि जोधपुर में मोदी जी ने जिस तरह से मुझ पर हमला किया, मुझ पर आपत्ति जताई, आरएसएस को अब राज का मजा आ गया है। और साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के पीएम मोदी को कोई हक नहीं कि वो किसी भी राज्य के देश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके। भाजपा के कार्यकाल में देश तानाशाही के राज में चल रहा है। मोदी जी ने जनता को गुमराह किया और मैं राजस्थान का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता तक सच पहुंचाऊं। और सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा से सीधे तौर पर कुछ सवाल किए। कहा कि काला धन वापस आया, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, ये सवाल प्रेस के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से पूछे। और ये भी कहा कि अच्छे दिन कहां से आए और साफ तौर पर आतंकवाद पर नक्सलवाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या चीन थर थर कांपा। और महिलाओं के 33% आरक्षण पर भी उन्होंने भाजपा को घेरा।